वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। कोरोना वैक्सीन से बन गया नामर्द। इस सिंगर ने वैक्सीन को बताया गलत। कोरोना वैक्सीन से सब बन रहे हैं नामर्द। कोरोना वायरस के खिलाफ एकमात्र हथियार टीकाकरण पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें कोविड वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं जिनका प्रमाण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हद तो तब हो गई जब जानी मानी पॉप सिंगर निकी मिनाज के एक दावे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। निकी मिनाज के बयान से वैक्सीन लेने वाले लोग भी डर गए। दुनिया भर में मशहूर पॉप स्टार सिंगर निकी मिनाज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और ट्विटर पर उनके 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। निकी मिनाज के फैंस को उस समय झटका लगा जब उन्होंने कोविड वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। निकी मिनाज ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि कोविड वैक्सीन लगवाने की वजह से उनके चचेरे भाई का एक दोस्त नपुंसक हो गया और उसके अंडकोश में सूजन आ गई। पॉप स्टार सिंगर ने बीते सोमवार को अपने ट्वीट में कहा, त्रिनिदाद में मौजूद मेरा कजिन वैक्सीन नहीं लगवाएगा क्योंकि उसका दोस्त वैक्सीन लगवाने के बाद नपुंसक हो चुका है, उसके अंडकोश सूज गए थे और शादी होने में कुछ हफ्ते ही बचे थे। अब लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया है, तो प्रार्थना कीजिए और इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने के अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से सहज हैं और आप पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। सिंगर निकी मिनाज के इस ट्वीट ने कई लोगों को तो डराया ही, साथ ही साथ सरकारों के टीकाकरण अभियान को भी बड़ा झटका दिया। हालांकि विज्ञान, डॉक्टर और कई राजनेताओं ने निकी मिनाज के इस ट्वीट की आलोचना की और उन्हें फटकार लगाई। 38 वर्षीय सुपरस्टार निकी का ट्वीट अब दुनिया भर में वायरल हो रहा है और स्थानीय सरकारें उनके दावे को लेकर जनता को सच से रूबरू करा रही हैं। निकी मिनाज के ट्वीट पर दुनिया भर के डॉक्टरों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंडकोश में सूजन वैक्सीन की वजह से नहीं हो सकता। एक यूरोलॉजी विशेषज्ञ ने कहा कि अंडकोश की सूजन या सूजन को आर्कराइटिस के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है। यह समस्या तब होती है जब व्यक्ति किसी से संबंध बनाता है, इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। वहीं अब तक ऐसा कोई शोध या अध्ययन सामने नहीं आया है जिसमें ये पता चला हो कि कोविड-19 वैक्सीन नपुंसकता का कारण बना है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।